इनिंग के अंदर हुआ है वो बहुत ही अच्छा चीज़ देखने के की मिली डाउ की डाउ के अंदर मेरी एक ट्रेड थी और मैं टारगेट से पहले निकल गया देखिए यहाँ पर मैं निकल गया था मार्केट ने अच्छा रिवर्सल मारा और मार्केट हंड्रेड परसेंट रिवर्सल लेके गई और एक बुलिश क्लोजिंग हुई है आ, अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जो डेटा एनालिसिस की वीडियो है जब मैंने डेटा का एनालिसिस किया था डाउ जोन्स वॉज टू हंड्रेड पॉइंट्स डाउन और अराउंड अराउंड सेवेंटी एटी पॉइंट डाउन चल रहा दा� था और डेटा इंटरप्रेट करने के बाद मैंने बोला था कि प्रोज एंड एफ दोनों बुलिश गए हैं डेटा जो बना के गए हैं और जो हमारे रिटेलर्स हैं वो गए हैं बैरिश चांसेस हाई कि मार्केट को मंडे गैप अप होना चाहिए उस समय हमारी मार्केट चल रही थी लाल नेगेटिव और मार्केट ने रिकवरी मारी है उसके बाद एनालिसिस वीडियो के बाद चेक कीजिएगा टाइमिंग को और मार्केट ग्रीन में बंद हो गया जेस निफ्टी भी इज क्लोज्ड समवेयर अराउंड 99 पॉइंट्स वो क्लोज टू हंड्रेड पॉइंट्स और अगर ये लीड सस्टेन करती है मंडे ओपनिंग के टाइम पे भी तो आपको एक अच्छा खासा यू नो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है जो लोग कॉल्स लेके गए हैं क्योंकि अगर आपको याद हो तो लाइव वीडियो के अंदर जब हमने ट्रेड लिया था मैंने आपको बोला था नो पुट पोजीशन नो पुट पोजीशन

टॉगेट वन टारगेट टू टारगेट थ्री टारगेट फोर टारगेट फाइव टारगेट सिक्स पूरा रिकवरी इसने दिया एक साइड अगर आप हमारे रुद्रा हैक को यूज़ करते हैं रुद्रा क्या है गाई? रुद्रा इज एन ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नॉट ओनली ऑप्शन इक्विटी क्रूड क्रिप्टो हर जगह काम करता है हमारा रुद्रा हैक यहाँ कहीं ही उसने एंट्री दी थी और यहाँ से लेकर एंड तक समवेयर अराउंड 400 प्लस प्लस पॉइंट की रैली इसने कैप्चर करने को दी रुद्रा ने उसके साथ साथ हमारा जो एम हैक है उससे आपने पैसे बनाए होंगे ईगल ने ईगल ने भी आपको एंट्री दी थी यहाँ से यहाँ तक एक ही एक ही तेज में तो अच्छा खासा पैसा बना आ, निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी की मैं बात करूँ बैंक निफ्टी ने भी धमाके धमाके छोड़े आ, इतने तगड़े धमाके छोड़े कि लेवल आपको बहुत अच्छे से काम किया मार्केट खुली रिजेक्शन लिया पोपर लाइन से सपोर्ट लिया थोड़ा सा टाइम पास किया इसी पर्पल लाइन के बाद, बाद में जो ऊपर भागना शुरू हुई है मार्केट ने 100 रिकवरी दिखा के एक अच्छी खासी बुलिश क्लोजिंग आपको दी है पाँच 600 के ऊपर को मिली है करने की बात करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के, के बन रही हैं। तो अगर हम यहाँ पर वीकली एनालिसिस तो पहले मंथली कैंडल देखते हैं मंथली कैंडल देखने की शुरू करते हैं कि जून की कैंडल क्लोज हुई है एक बैरिश कैंडल क्लोज हुई है और आज की जो कल की जो कैंडल है वो ग्रीन बनना शुरू हुई है बैंक निफ्टी के अंदर निफ्टी की कैंडल भी एक बैरिश कैंडल है और सो सोफर्ड डेली चार्ट से क्या देख के निकल मिल रहा है डेली की जो कैंडल क्लोज हुई है guys, एक बड़ी बड़ी नॉर्मल uh, कैंडल है नॉट रिवर्सल कैंडल स्पिनिंग टॉप जैसी दिखाई दे रही है लेकिन इसकी बॉडी काफी बड़ी है तो मैं इसे एक्चुअल स्पिनिंग टॉप नहीं बोलूंगा निफ्टी की बात करूं तो एक बहुत ही सॉलिड आपको कैंडल देखने को मिलेगी इसको बोलते हैं एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल क्यों बोलूंगा स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल क्योंकि गई नीचे साइड की रिजेक्शन है मार्केट नीचे गई थी एकदम रिजेक्शन लेके ऊपर आई है सो so यहाँ पर बोल रहे हैं कि मार्केट जो बाइंग हुई है बहुत तगड़ी बाइंग हुई है जो, जो प्रोज ने बाइंग की है और जो एफ ने बाइंग की है वो नीचे बाइंग की है और वो ऑलरेडी प्रॉफिट में है क्योंकि उन्होंने नीचे माल खरीदा है और ऊपर की तरफ क्या और यहाँ पर बेचने वाला कौन है रिटेलर रिटेलर मार्केट को शॉर्ट कर गया जिनकी पैंट उतारी जाएगी जब तक रिटेलर एफ के साथ साथ था तब तक सब ठीक चल रहा था अब जब प्रोज और रिटेल एफ साथ में आ गए हैं मार्केट रिटेलर की वाट लगाने वाला है तो ये आपको डेली कैंडल से मिल रहा है और चल के देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहे हैं क्या ये रिवर्सल हो चुका है मार्केट रिवर्स कर जाएगी ऊपर की तरफ चली जाएगी आपको मैं अभी भी एक लेवल बता देता हूँ इस रिवर्सल का ये यहाँ से फिबुना किए लगाएंगे ऊपर से लेकर टॉप से लेकर नीचे तक ठीक है और यहाँ पर मैं पोरावर के चार्ट के ऊपर आ जाता हूँ मार्केट अभी भी एक्जैक्टली थर्टी एट परसेंट से इसने आ, जो है रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिला है और अगर मैं इसको यहाँ से लेता हूँ तो भी नहीं होता करेक्ट सो निफ्टी हैज नॉट शोन दैट काइंड ऑफ अ थिंग और मार्केट अपने ट्वेंटी थ्री परसेंट से वापस इसने सपोर्ट लिया हमारे पास रिवर्सल का साइन नंबर क्या है जब तक मार्केट इस गोल्डन जोन को तोड़ के ऊपर की तरफ नहीं निकलती है रिवर्सल काउंट नहीं किया जा सकता है

मैं यहाँ से अगर आ, लगाता हूँ अपना फिमोना की फर्स्ट टारगेट आ चुका है इसका जो सेकेंड टारगेट है स्पेंडिंग इफ इन केस आई एम टेकिंग द ट्रेंड राइट मैंने क्यों बोला राइट गाइज क्योंकि आ, क्योंकि अगर ये ट्रेंड यहाँ से ना शुरू होकर ये ऊपर से है एग्जैक्टली exactly. यार तो भी मुझे लगता है कि मार्केट ने एंट्री दे दी है तो मार्केट को नीचे आना चाहिए इसका फर्स्ट टारगेट ऑलरेडी आ चुका है मार्केट को आ, पेंडिंग टारगेट है तो मेरे वो भाई, मेरे वो वो भाई दोस्त जो सोचने के बुलिश हो हो जाए जाए और कुछ हो मैं आपको ये बताऊं मार्केट का जो स्टॉप लॉस है वो है थर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड एंड एटी फोर मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलेगी इसको टच करने के बगैर तो अगर मार्केट ऊपर भी जाती है तो इसके आसपास सिर्फ और सिर्फ सेल का ही अपॉर्चुनिटी देखना है अनटिल अनलेस कोई कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तब आपका स्टॉप लॉस हिट होता है अपनी ट्रेड का ठीक है आपकी ट्रेड का आ, इस इस पर्टिकुलर ट्रेड का प्राइस एक्शन के हिसाब से स्टॉप लॉस हिट होता है लेकिन मार्केट में 32,285 के टारगेट पेंडिंग है और मार्केट ये आपको बहुत जल्द दिखा सकती है मार्केट में देखो डेटा बुलिश है आई एम नॉट डिनाइंग दैट प्राइस एक्शन बुलिश है आई एम नॉट डिनाइंग दैट सेंटिमेंट थोड़े से बुलिश होते दिखाई दे रहे हैं एम नॉट डिनाई दैट लेकिन गाइज जो फिबुना बोल रहा है मैं आपको वो फॉलो कर रहा हूँ फिबुनाकी भगवान नहीं है लेकिन हाँ इसकी एक्यूरेसी परसेंटेज 90 परसेंट आती है मैंने आपको बहुत बार इसके डेमो देके भी दिखाए हैं बड़े आराम से हाल ही दाऊज के अंदर मैंने आपको दिखाया था पूरी वर्ल्ड पूरा मार्केट पूरा चार्ट इसको फॉलो करता है मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता ठीक है मैं इसको डिनाई नहीं कर सकता रीज़न विच

इंट्राडे uh, के अंदर ट्रेड करना ज्यादा uh, अच्छा रहेगा डोंट टेक एनी स्विंग ट्रेड्स और जहां पर भी आपको लेवल्स के ऊपर कंफर्मेशन मिलती है आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो ठीक है वहां पर ट्रेड कर सकते हो uh, अब यहां पर एक और आपको चीज बताना चाहता हूं कि आप बाइंग के सौदे कहा ढूंढ सकते हो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपके सामने ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई आ रही है ये बड़ी शार्प ट्रेड लाइन है इसको मैं थोड़ा सा बेसिकली

इसने ये तीसरा रिजेक्शन दे दिया है तीसरा रिजेक्शन दे दिया है अब मार्केट यहाँ से क्या करती है वो वो डिपेंड करता है कि यहाँ से ब्रेकआउट देती है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का या ऊपर की तरफ जाती है और इस पर इसका ब्रेकआउट देती है तो क्या पैटर्न बनेगा देखिए है तो ये बुलिश पैटर्न अगर मैं यहाँ से इसको करने की कोशिश करूँ आपको पता भी लग गया होगा कौन सा पैटर्न है लेकिन जब बनता है अक्सर उसके साथ में आपको डायवर्जन दिखाई देता है um, तो मैं यहाँ पर आर एस आई का इंडिकेटर यूज करने की कोशिश करूंगा आर एस आई आर एस आई क्या बोल रहा है आर एस आई कोई डाइवर्जन दे रहा है क्या बुलिश डाइवर्जन तो नहीं है बुलिश डाइवर्जन यहाँ था यहाँ था बा बाकी कोई इस लेवल पे बुलिश डाइवर्जन तो नहीं है तो कच्चा पक्का है इस ऑल ऑफ अडन अगर मैं देखूँ तो लेकिन हाँ इसको डिनाई नहीं किया जा सकता कि ये एक फॉलिंग वेज टाइप का पैटर्न जरूर क्रिएट कर रहा है जरूर क्रिएट कर रहा है अगर इस एंगल से देखते हैं हाउएवर हमारे जो ओल्डर पैटर्नस हैं इसके ऊपर वापस आ गया है उस पैटर्न के ऊपर तो वापस आ गया चलो कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है गाइस ये एक पैटर्न आपको बनता दिखाई दे रहा है फोर आवर के चार्ट पे इसको करते हैं डिलीट और छोटे थोड़े वन आवर के चार्ट पे आ जाता हूँ और वन आवर के चार्ट के ऊपर जो लाइन पहले से बन रही थी मैंने आपको खींच के भी दिखाई थी उसी लाइन को हम दोबारा से ड्रॉ करेंगे ये एक ट्रेन लाइन है जो आपकी कन्फर्मेशन होगी बेरिशनेस की ठीक है तो इस ट्रेंड लाइन को मार्क कर लीजिएगा बैंक निफ्टी इसके नीचे जैसे ही जाता है गाइस ठोकने की पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी क्यों क्योंकि ये मार्केट पैटर्न जो बना रही है वो इट्स इट्स बेसिकली बैरिश पैटर्न इट ठीक है तो आपको ये मार्केट नीचे की तरफ आती दिखाई देगी ना पैटर्न चाहे मल्टीपल बन जाएगा इस ट्रेड आपको सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ किस पे करना है लेवल्स के ऊपर जब तक कोई लेवल्स नहीं टूटता तो ये बैरिश एक तरीके का चैनल चैनल मान सकते हो आप इसको और अच्छे तरीके से ड्रॉ करने की अगर हम कोशिश करें तो यहां से हम एक लेते हैं पैरेलल चैनल ठीक है ये एक चैनल के अंदर है मार्केट एक चैनल के अंदर है आ, इसी चैनल को फॉलो करेंगे हम और मार्केट इसके चैनल से सपोर्ट लेके गई है आपको यह चीज हमेशा याद रखनी है जब भी पैरेलल चैनल बनता है सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब भी पैरेलल चैनल होता है इस चैनल के तीन पार्ट होते हैं ये होता है अपर बैंड ये होता है मिड बैंड और सॉरी लोअर बैंड दिस इज मिड बैंड दिस इज लोअर बैंड ठीक है ये तीन तीन बैंड होते हैं इसके जिसको आपको याद रखना है जो मिड बैंड होता है वो भी आपका रेजिस्टेंस का काम करता है और एक टारगेट का काम करता है तो अगर यहां से सपोर्ट लिया है तो इमीजिएट बी दिस पर्टिकुलर पॉइंट सो अब जो है मार्केट यहां पर आने की कोशिश करेगा अगर मार्केट आता है यहां से और यहां से आपको रिजेक्शन लेके वापस नीचे आता है तो आपको देखना पड़ेगा तो ये मिड लेवल जो है वो मिड लेवल क्या आ रहा है मिड लेवल आ रहा है थर्टी

द रीजन वाईम आपको एटलीस्ट जो बड़ी मूवमेंट आने वाली है बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है तो बीट मंडे ट्यूजडे नेक्स्ट वीक आपको डेफिनेटली एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिल सकती है क्योंकि मार्केट काफी टाइम से एक साइडवेज मोमेंटम दे रहा है गैप गैप डाउन में पैसा दे देता है उसके बाद मोमेंटम नहीं दे पाता है तो इसका हमें इंतजार रहेगा मार्केट इस चैनल को जब भी तोड़ेगी आपको ऊपर या नीचे की तरफ यही वन थाउजेंड पॉइंट की मूव देखने को मिल सकती है ठीक है ये था आपका बैंक निफ्टी निफ्टी की अगर मैं बात करूं निफ्टी आ, का मैंने निफ्टी आ, अगर आप यहाँ से देखो ये मैंने लगाया थर्टी एट परसेंट से इसने रिजेक्शन लिया है ऑटोमेटिकली देखते हैं कि क्या करता है इसको डिलीट करते हैं और आ, इसकी जो ट्रेन लाइन है वो भी ड्रॉ करने की कोशिश है करते हैं किस लाइन के नीचे ये बिल्कुल वीक हो जाएगा तो यहाँ से ये, ये वाली ट्रेन लाइन जो आ रही है इसके ऊपर मार्क बना के रखेगा मार्केट जैसे इस लाइन को तोड़ती है मार्केट जैसे इस लाइन को नीचे की तरफ तोड़ती है हमारा कन्फर्मेशन मिल जाएगा हमारे पैटर्न का और ये पैटर्न टूटने के बाद जो कि फोर आवर के ऊपर है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ठीक है फोर आवर के ऊपर है और जैसे ही ये फ्लैग टूटता है या डेली के ऊपर है डेली के ऊपर जैसे ही ये फ्लैग नीचे की तरफ टूटता है एक कंफर्मेशन मिलता है हमें अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है इंट्राडे के लिए और नीचे की तरफ हमारी फिफ्टीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड सेवेंटी का जो लेवल ले। है इसके नीचे एक स्विंग की पोजीशन भी बनाई बनाई जा सकती है ठीक है ये हमको फॉलो करना है ओवरऑल uh, अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अभी भी मुझे वही पैटर्न दिखाई दे रहे हैं और रिवर्सल की कोई चांस नहीं है जब तक ये दोनों फ्लैग क्योंकि फ्लैग हमेशा याद रखना गाइस ये स्टार मार्क इन्फॉर्मेशन है मतलब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जब भी फ्लैग बनते हैं चाहे वो बुलिश फ्लैग बने या है वो बैरिश फ्लैग बने चाहे वो, बुल बने, वो बैर बने, दोनों में दो फ्लैग बनते हैं अकसर, 80%, 90 इसका ब्रेकडाउन होने के बाद पूरा टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा और मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये चीज होने वाली है डेफिनेटली होने वाली है ठीक है डेफिनेटली होने वाली है तो यहां पर ये वाला पैटर्न भी है ये रिटेस्ट इसका हो चुका है ये स्विंग टूटने के बाद इस पैटर्न की भी कंफर्मेशन आ जाएगी फ्लैग की भी कंफर्मेशन आ जाएगी दोनों एक अच्छी स्विंग ट्रेड बनेंगे नीचे के लिए, के लिए लिए ठोकने तैयार रहना मैं तो बोलता कैश कैश रिच रिच ठीक है है होके बैठो स्विंग ट्रेड टूटता ना बिंदास किसी की कंफर्मेशन नहीं चाहिए इसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज होते ही बिंदास ठोक मारना ये जो तो लेवल है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको पूरा मिलेगा इसको ये ए बी सी वेब बनेगी फ्लैग के अंदर और इसके अंदर काफी अच्छा पैसा बनने को मिलेगा गिरती मार्केट के अंदर यू कैन थैंक मी लेटर लेना उतना लेना अच्छा खासा पैसा बनेगा सब्र करके बनेगा ठीक है वेट करना मार्केट जितनी उछल रही है उछलने दो जितनी उछल रही है उछलने दो अफकोर्स इंट्रा डे के अंदर हम पैसे बनाएंगे ना तो हम बुल हैं ना तो हम बैर है हम पैसे बनाने में शेयर हैं ठीक है अगर यहाँ पर देखोगे ये देखो ये जो ट्रेंड लाइन बन रही है इसको थोड़ा छोटे लेवल पर करेंगे तो और दिखाई देगी मार्केट ने इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन का यहाँ से अगर आप देखोगे तो एक तरीके से ब्रेकआउट दिया लेकिन अगर मैं यही ट्रेंड लाइन यहाँ से खींचने की कोशिश करता हूँ तो आपको दिखाई देगा अभी बहुत दिल्ली बहुत दूर है ठीक है और इसको हाई पॉइंट से लेता हूं यहां से अगर मैं लेने की कोशिश करता हूं तो भी दिल्ली दूर है ठीक है तो भी दिल्ली दूर है तो ओनली थिंग दैट वी कैन थिंक राइट नाउ कि मार्केट ने एक लाइन यहां से ट्रेंड लाइन बनाई थी और

तो थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी सिक्स का लेवल रहेगा आपके लिए बाइंग का ये पपर लाइन मैं गाइस अब रेड कर दूंगा क्योंकि पर्पल लाइन की जरूरत नहीं है पपर लाइन पपर लाइन इज बेसिकली डेली लिमिट ठीक है तो थर्टी थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड एटी सिक्स के ऊपर आपको एक लेवल आता मिलेगा थर्टी थ्री थाउजेंड सेवन सेवेंटी का ठीक है और ये लेवल अगर टूटता है तो आपको एक रैली आते हुए दिखाई देगी अपू फोर्टी थर्टी फोर थाउजेंड ठीक है ये थर्टी फोर थाउजेंड की रैली आपको आती भी दिखाई देगी और इसके ऊपर का जो लेवल है वो आता दिखाई देगा ठीक है और ये है हमारी पर्पल लाइन मंडे के लिए मतलब मुझे मार्केट इसके बियॉन्ड जाती हुई दिखाई नहीं दे रही है तो इसका आपको रखना है ख्याल ध्यान ठीक है यहां पर लिमिट हो गई सेल कहां करना है सेल करना है पांच के नीचे ठीक है बंद हुई है थर्टी थ्री थाउजेंड टू फोर्टी टू का थर्टी थ्री थाउजेंड वन एटी वन का और पर्पल लाइन हमारी एज एट एज खड़ी है ठीक है थर्टी थ्री थाउजेंड सेवेंटी नाइन आपका नीचे की तरफेट रहेगा तो आपकी जोन बढ़ गई है बढ़ गई है ऊपर की तरफ और इसको हम ट्रेड करेंगे निफ्टी की बात करें कहां पर ट्रेड कर सकते हो निफ्टी ने इस ब्लैक कलर की लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है विच इज अ नाइस थिंग बिकॉज ये बेसिकली वीकली वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड लाइन बनी आ रही थी इसके नीचे गई जरूर गई थी लेकिन ऊपर क्लोजिंग दे दिया तो वो वीकली चार्ट के ऊपर विक बना दिया उसने कोई प्रॉब्लम नहीं है अब हमारी बाइंग जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस रेड कलर की लाइन के ऊपर होगी जो कि एट इसको हम करेंगे रेड ठीक है पहला टारगेट होगा फा नाइन वन ज़ीरो का दूसरा टारगेट होगा आपका नाइन हंड्रेड सिक्सटीन सिक्सटीन थाउजेंड का और उसके ऊपर हमारा जो टारगेट होगा वो होगा सिक्सटीन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व ये आपकी पर्पल लाइन मैक्सिमम इसके ऊपर मुझे मार्केट जाती दिखाई दे रही है सोलह हज़ार के ऊपर नहीं जाती दिखाई दे रही लेकिन देखते हैं मार्केट कहाँ क्या गोल खिलाती है सत सोलह हज़ार के ऊपर तो नहीं जानी चाहिए लेकिन हाँ मैक्सिमम मैंने सोलह हज़ार एक सौ बारह का लेवल आपको दिया है ठीक है गाइस ये एक इम्पोर्टेंट हो गया यहां पर मैं एक लेवल डिलीट कर रहा हूं ये सात सौ का ठीक है और मार्केट को आपको सेल कहाँ करना है सात सौ के नीचे ही करना है सेल सात सौ चालीस है सेवन हंड्रेड के नीचे सेल करना है तो मैं इसको वापस लेके आऊंगा ठीक है सेवन हंड्रेड के नीचे सेल कर लीजिएगा ये लाइन हटानी है सॉरी गलती से दूसरी हटा दी सात सौ के नीचे आपका जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा फिफ्टीन थाउजेंड सिक्स थर्टी का और फाइव सेवेंटी फाइव आपका दूसरा टारगेट होगा फिफ्टीन थाउजेंड फाइव uh, हंड्रेड आपका तीसरा टारगेट होगा ये रहेगी पर्पल लाइन आ, आपकी मंडे के लिए uh, मंडे इसके नीचे मुझे मार्केट जाती दिखाई नहीं दे रही है ठीक है uh, अगर गई तो आपकी सेकेंड पर्पल लाइन जो है वो नीचे की तरफ की है वो वो है फिर इस, इस लेवल पे मैं चलती मार्केट में आपको देने की कोशिश करूंगा फिफ्टीन के आसपास आपका लेवल बना रहेगा ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करने की कोशिश करूं देखू ओपन इंटरेस्ट तो 7 जुलाई के ओपन इंटरेस्ट की बात करूं सबसे ज्यादा जो इंटरेस्ट है वो है 15,800 के ऊपर तो अगर गैप अप ओतन ओपन होता है ठीक है और 800 के पास होता है 800 के ऊपर होता है आठ के ऊपर होता है तो ये ट्रैप हो जाएंगे लेकिन अगर आठ के नीचे होता है तो यार फटाफट बुक कर लेना क्योंकि अगर आठ के पास होता है तो ये इसको इतना धक्का मारेंगे थप्पड़ मार के ये वापस एकदम से रेड कैनल बना के नीचे की तरफ आ सकता है सो इस बात का आपको क्वेश्चन और सबसे हाइएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट पुट साइड पर है वो पंद्रह के ऊपर है तो अगर आप रेंज देखने की कोशिश

और कॉल राइटर्स की पूर्ण है कि सोलह के ऊपर नहीं जाने देंगे ठीक है तो पंद्रह ये हजार पॉइंट की रेंज लेके चल रहे हैं बिकॉज और बीच में ऐसा नहीं कि पोजिशन नहीं है निफ्टी के अंदर भर भर के पोजिशन है वो देखना पड़ेगा कि मंडे के अंदर कैसे होता है डेटा इज क्वाइट मिक्स बट बुलिश ठीक है यहां पर अगर आप बैंक निफ्टी में देखते हो सबसे ज्यादा कन्वेक्शन कहां पर है थर्टी थ्री थाउजेंड के ऊपर मतलब पुट राइटर्स जो सबसे बड़ी कन्वेक्शन लेके बैठे हैं नेक्स्ट वीक की वो लेके बैठे हैं कि थर्टी थ्री थाउजेंड हम टूटने नहीं देंगे और जो कॉल हैं उतनी पोजीशन बनी नहीं है इट्स टू अर्ली टू से राइट नाउ बट थर्टी के ऊपर बैठे हैं अगर गैप अगर अप होता है और थर्टी फोर थाउजेंड टू हंड्रेड थर्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड के ऊपर होता है तो तो ये ट्रैप हो जाएंगे लेकिन अगर थर्टी फोर थाउजेंड के नीचे गैप अप होता है इज़ अपांस मार्केट थर्टी फोर थाउजेंड के ऊपर टापने वाली तो नहीं है ठीक है अनलेस ये डेटा चेंज हो जाए ठीक है अनने ये डेटा चेंज रहा है और अभी यहाँ पर देखो कॉल रेटिंग थर्टी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड की बहुत सारी है लेकिन इन्होंने किसी ने भी अपनी पोजीशन को छोड़ा नहीं है मतलब कॉल राइटर्स आर स्टिल वेरी मच श्योर इन बैंक निफ्टी कि बस को नीचे की तरफ गिरना चाहिए इसको नीचे की तरफ गिरना चाहिए और अगर ये घुसते हैं तो सबसे पहले ये ट्रैप होंगे एक शॉर्ट कवरिंग छोटी सी डाली आपको देखने को मिल सकती है तो हो सकता है पहले मिनट की पाँच मिनट की गण आपको ग्रीन दिखाई दे लेकिन टुअर्ड्स थर्टी फोर थाउजेंड आप बुक करने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर मार्केट आपको धोखा देते हुए दिखाई दे सकते हैं ठीक है तो ये ऑप्शन चेन का डेटा था गाइज और लेवल्स uh, ये लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग के तरफ के अंदर शेयर कर लूंगा आप वहां से ले सकते हैं ठीक है फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर मंडे uh, के दिन तक के लिए हंसते रहिए साथ रहिए मार्केट से पैसा कमाते रहिए मार्केट बाय